नमस्कार साथियों, आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ एक खास मुद्दे को लेकर, और वो है विकास दुबे की गिरफ्तारी, सरेंडर, जो कुछ हुआ है। ये तीन सवाल भी हैं। आखिर में उन तीन सवालों के बारे में आपसे बात करूंगी। आखिर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को संरक्षण प्राप्त था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये व्यक्ति इतना मजबूत एक दिन में नहीं हुआ। सरकारें आई और गई, और ये इसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। इसके खिलाफ 60 के करीब मुकदमे हैं। 60 मुकदमे जिस व्यक्ति के विरुद्ध हो, और जो जिनमें से 45 मुकदमे बताए जा रहे हैं कि हत्या या हत्या की कोशिश से संबंधित हो, और ये व्यक्ति इस प्रकार से घूम रहा हो कि इसकी अरेस्टिंग ना हो, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत संदिग्ध हो जाता है। इसकी अरेस्टिंग नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, जब इसने 8 पुलिस वालों की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या तब कर दी जब वे इसके यहाँ रेड करने जा रहे थे, यानी कि इसकी गिरफ्तारी उस दिन होना निश्चित थी। कहा जा रहा है कि जो डीएसपी उस टीम को लीड कर रहे थे, उनको इसने मारने के बाद उनके पैर काटने की कोशिश करी। जब पुलिस की दूसरी टीम, बाकी लोग वहां पहुंचे हैं, तो ये जो लोग मर गए थे, जो पुलिस वाले, उनके ऊपर डीजल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्या है कि इसको अरेस्ट करने में इतनी दिक्कत आई? जो एसओ था उसकी संलिप्तता भी बताई जा रही है। जो डीएसपी लिख रहे थे पत्र बार बार कि जो एसओ है इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस इशू हो जाता है, उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये आपराधिक मामला है, ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का मामला नहीं है। फिर उसके बाद ये व्यक्ति भागता है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ के बॉर्डर्स इतने तगड़े सील हो रखे हैं कि जो मजदूर हैं वो नहीं जा सकते, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, मगर एक अपराधी जो पुलिस वालों की हत्या करता है इस तरीके से, वो वहां से भाग जाता है। राजस्थान के इलाके से होते हुए वो हरियाणा तक पहुंच जाता है, फरीदाबाद, जहां उसकी तस्वीर सीसीटीवी में आती है। कैसे आ जाती है ये तस्वीर, मतलब, और ये टीवी पे भी आ रही है, जरा सोच के देखिए कि क्या हो रहा है, सब कुछ पता भी चल रहा है, लाइव शो चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट। उसके बाद ये पहुंच जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैसे पहुंचता है? ये हवाई जहाज से नहीं जा सकता, बहुत कम ट्रेन रही हैं, और पैदल जा सकता है, बस में जा सकता है, अपनी निजी वाहन में जा सकता है, यानी कि जो नाकेबंदी ये लोग कह रहे हैं कि करी है, ये ठीक से नहीं करी गई होगी, वरना ये पकड़ा क्यों नहीं गया। अब इसके आगे क्या हुआ, ये वहां पहुंचता है और महाकाल के मंदिर में ये पर्ची कटवाता है, वहां पे ये इंतजार करता है। और इसके पहले आपको बता दूं कि कल रात को जिलाधिकारी जो है उज्जैन के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनकी एक मीटिंग हुई, वहां मंदिर वालों के साथ नहीं हुई, वो मीटिंग हुई किसके साथ, वो मीटिंग भगवान ही जानता है किसके साथ हुई, क्योंकि इन्होंने भगवान जी के भी दर्शन नहीं किए। महाकाल के मंदिर में ये सुबह पहुंचता है, ये टिकट अपना पर्ची कटवाता है 250 रुपए की, वहां इंतजार करता है, इसकी तस्वीरें खींचती है, और उसके बाद एक सिक्योरिटी वाला इसको पहचान लेता है। 11 राज्य की पुलिस जिस अपराधी को ढूंढ रही है, उसे पुलिस नहीं पकड़ पाती, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को तो बहुत उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अजीब सी बात नहीं लग रही है? मतलब हमें ये टीवी पे दिखा रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज आ गया, सब रिलीज भी हो रहा है, सब कुछ रिलीज हो रहा है। फिर उसके बाद वहां पे जिलाधिकारी और एसएसपी जो है मीटिंग करते हैं, और वहां का थाना अध्यक्ष, उस थाने का, महाकाल थाने का, उसका थाना अध्यक्ष जो है वो बदला जाता है, कल बदला गया वो थाना अध्यक्ष। उसके बाद ये व्यक्ति जो है ये वहां पर जब पकड़ा जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड द्वारा, और फिर अजीब सी बात नहीं है कि पुलिस वाले तो वहां पहुंचते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड वाले कहते हैं कि पुलिस वालों को बता रहे हैं, लेकिन पुलिस भी वहां पहुंचती है और टीवी चैनल वाले भी पहुंच जाते हैं। और फिर जब इसे पकड़ा जा रहा है तो ये कहता है, मेरा नाम विकास दुबे है, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। ये दो बारी ये बात भी कहता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये कंफर्म कर रहा है कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मतलब
मेरा एनकाउंटर ना कर गई है। तो बहुत सारे सवाल हो गए हैं, इन सवालों के जवाब पूछने की जरूरत है। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि सवाल आपने कौन कौन से पूछने हैं। इसके खिलाफ बहुत सारे मामले ऑलरेडी पेंडिंग है। अब अगर ये वहां पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, ट्रायल में पहुंचता है, तो अगर टाइम से, जैसे देवेंदर सिंह के साथ हुआ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले, उस तरह से अगर पुलिस ने टाइम से इसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं करी तो इसको बेल मिल जाएगी क्या?